आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साविका श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबर की ओर। दिल्ली के नरेला में अंधाधुन गोलियां बरसाकर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई, उसके दो साथी जख्मी और आरोपी फरार। लेनदेन के विवाद में बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर में पहुंचकर अंधाधुन फायरिंग की। इसमें प्रॉपर्टी डीलर की मौत हो गई और उसके दो साथी गोली लगने से जख्मी हो गए। दिल्ली के स्वतंत्र नगर नरेला में बुधवार रात गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। लेनदेन के विवाद में बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर पर धावा बोलकर अंधाधुन फायरिंग की। इसमें प्रॉपर्टी डीलर की मौत हो गई जबकि उसके दो साथी गोली लगने से घायल हो गए मृतक की पहचान मनीष के रूप में हुई है। दोनों घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया जहां से उनको दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया गया। हमला करने के बाद आरोपी फरार हो गए। शुरुआती जांच के बाद पुलिस को पता चला कि आशीष नामक व्यक्ति ने मनीष की एक साइट पर बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई किया था। उसके पैसे मनीष पर बकाया थे। बार बार मांगने पर मनीष रुपए नहीं दे रहा था। बुधवार रात को इसी बात पर कहा सुनी के बाद आशीष, दीपक व अन्यों ने मनीष व उसके दोस्तों पर हमला किया। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त रवि कुमार ने बताया कि बुधवार रात पुलिस टीम को नरेला के स्वतंत्र नगर स्थित गोंडा रोड पर वीर प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर पर गोलीबारी की सूचना मिली। खबर मिलते ही टीम वहां पहुंच गई। मौके पर तीन लोग मनीष, प्रवीण और कुलवीर जख्मी मिले। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। वहां पहुंचने पर मनीष को मृत घोषित कर दिया गया। मनीष परिवार के साथ स्वतंत्र नगर में ही रहता था। उसका प्रॉपर्टी के अलावा भवन निर्माण का भी काम था। मनीष के दफ्तर के सामने आशीष की बिल्डिंग मटेरियल का कारोबार है। मनीष ने आशीष से कुछ समय पहले एक साइट के लिए माल लिया था लेकिन वह उसे पैसे नहीं दे रहा था। बुधवार रात को आशीष अपने साथियों के साथ मनीष के दफ्तर पहुंचा। वहां दोनों के बीच कहा सुनी हो गई। देर रात आए आशीष व उसके साथियों ने तीनों पर फायरिंग कर दी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपियों ने 15 राउंड से अधिक गोलियां चलाईं। देर रात तक मौके पर जांच जारी थी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद थे।